गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो हुई। यह तनविष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी। आज का टॉपिक है साध की संगत कर ले बंदे चेहरे को पुरनूर करे। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, साधु की संगत की महिमा अपरंपार है। हम जितना भी बोले सत्संग के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि हम सबका जीवन बदला है सत्संग करने से। जो निरंतर सेवा सत्संग सिमरन करते हैं उनका जीवन बदल जाता है और चेहरे पे खुशियां सत्संग करने से ही आती हैं। चेहरे पे नूर झलकता है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 56 में सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि साध की संगत कर ले बंदे चेहरे को पुनूर करे, साध की संगत कर ले बंदे मैल दिलों की दूर करे। साध की संगत कर ले बंदे दुख गरीबी होंगे दूर, साध की संगत कर ले बंदे मिट जाएगा मान गरूर। साध की संगत कर ले बंदे अलख निरंजन पाएगा, साध की संगत कर ले बंदे फलता फूलता जाएगा। साध की संगत कर ले बंदे पिएगा तू अमृत रस, साथ की संगत कर ले बंदे पांचों हो जाए तेरे बस। साथ की संगत कर ले बंदे कायम दिल का पारा रहे, अवतार मिले जो साधु पूरा मन ना या आवारा रहे। तो शहंशाह जी यहाँ पर साधु की संगत की महिमा बता रहे हैं कि साधु की संगत कितनी महान होती है, कि साधु की संगत करने से चेहरे में नूर आता है। साथ की संगत कर ले बंदे चेहरे को पुनूर करे कि चेहरे पे चमक आती है। ये साथ संगत की चमक है। जब हम साथ संगत करते हैं तो हमारे मन की तार परमात्मा से जुड़ जाती है, और जहां पर परमात्मा की बातें होती हैं गुरु की बातें होती हैं तो फिर वहां पर चेहरा अपने आप खिल उठता है। कोई भी मुरझाया हुआ चेहरा सत्संग में आके बैठ जाए वो वहां खिल जाता है। दुनिया से कोई भी कितना भी निराश हताश उदास इंसान बहुत दुखी है, लेकिन अगर वो साध की संगत कर रहा है, साधु की संगत में आके बैठ गया, सत्संग सेवा सिमरन करना शुरू कर दिया, तो फिर उसका चेहरा चमक उठता है, चेहरा खिल उठता है, चेहरे पे नूर बना रहता है। साध की संगत कर ले बंदे मैल दिलों की दूर करे कि साधु की संगत करने से हमारे मन के जो विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी विकार हैं, जितनी भी मन की मैल है वो साधु की संगत करने से चली जाती है। जितने भी आज हम नाम ले रहे हैं कि वाल्मीकि जी का हम नाम लेते हैं, तो वो महर्षि वाल्मीकि कैसे बने? तो साधु की संगत करने से बने। जिनका मन पहले लोगों को परेशान करने में लगा रहता था कि लोगों को लूटना, राहगीरों को चलते हुए लूट लेना, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि जिनके मन में मैल थी, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति थी, तो वो जब संतों के संपर्क में आए, जब उन्होंने साधु की संगत की, तो उनका मन जो है पवित्र हो गया, उनके मन की मैल दूर हो गई। और जब मन निर्मल पाक हो जाता है इस परमात्मा के साथ जुड़कर, तो फिर जीवन में खुशियां आती हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ जब ये मन जुड़ता है तो ये मन निर्मल पावन पवित्र होता है, और जो मन पवित्र है फिर उस मन में सदा खुशियां ही खुशियां कायम रहती हैं। साथ की संगत कर ले बंदे दुख गरीबी होंगे दूर, कि साधु की संगत करने से सारी दुख तकलीफ गरीबी दूर हो जाती है। हम देखते हैं आज बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो भटक रहे थे, दुखी थे, दीन दुखी, संसार में ठोकर ही खा रहे थे, लेकिन जब सदगुरु के दरबार में आए
और साधु की संगत करने लगे तो उनका कायाकल्प हो गया। सत्संग जो है एक कल्प वृक्ष है जो इंसान के जीवन को बदल देता है। तो सारी दुख गरीबी सारी परेशानी साथ की संगत करने से दूर हो जाती है। साथ की संगत कर ले बंदे मिट जाएगा मान गरूर, कि मन में जो अहंकार है मेरा मेरा जो हम करते रहते हैं, तो ये जो अहंकार है वो मिट जाएगा साधु की संगत करने से। कि सत्संग करने से ये बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। फिर ये समर्पण की भावना आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे है मेरा, सब कुछ करने वाला परमपिता परमात्मा है। कि जो मिथ्या मान है ये अभिमान है ये मिट जाता है। और साथ की संगत करने से एक विनम्रता मन में आती है, एक हलीमी आती है। और जब मन में विनम्रता आती है तो ये जो मान है अभिमान है वो अपने आप मिट जाता है। भक्त को मान सम्मान यश और कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती है। साथ की संगत कर ले बंदे अलख निरंजन पाएगा। अलख निरंजन कहते हैं निरंकार को, कि परमात्मा जिसे संतों ने कहा अलख निरंजन, कि जो चर्म चक्षु से नहीं दिखता है, ये जो शरीर की हमारी दो आंखें इनसे नहीं दिखाई देता है, ये ज्ञान की नजर गुरु देता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। कि गुरु ज्ञान की नजर देते हैं, जिसमें तीसरी आंख थर्ड आई बोलते हैं। तो साथ की संगत कर ले बंदे अलग निरंजन पाएगा, कि ज्ञान की नजर तुझे मिल जाएगी और फिर हर जगह परमात्मा ही नजर आएगा, सब में निरंकार नजर आएगा। साथ की संगत कर ले बंदे फलता फूलता जाएगा, कि जीवन फलीभूत हो जाएगा, जीवन में सफलता मिलेगी, हर कदम पे खुशियां मिलेंगी। तो साधु की संगत की महिमा अपरंपार है। साथ की संगत कर ले बंदे पिएगा तू अमृत रस, कि जो अमृत रस है ये नाम निरंकार को कहा गया है अमृत रस, कि इस नाम निरंकार के रस को हर पल पिएगा। तू ही निरंकार किए जा, गीत इसी के गाए जा, जी भर पी ले इस अमृत नो, तन स्वस्थ की जा दिल साध किए जा। कि हर पल हर घड़ी इस अमृत को पीना है, और संत महात्मा इस अमृत को हर घड़ी पीते हैं क्योंकि वो साधु की संगत करते हैं। साधु की संगत करने से ही ये जो अमृत है मिलता है। साथ की संगत कर ले बंदे पांचों हो जाए तेरे बस, कि जो हमारे पांच विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जितने भी मन में विकार हैं वो सब बस में हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मन के जो विकार है, जो मन की जो मैला है, वो सत्संग करने से ही जाता है। जब हम गुरु ज्ञान से निरंकार के साथ जुड़ते हैं तो ये सब पांचों वश में हो जाते हैं। और जैसे ही हम अगर कुछ दिन सत्संग से दूर हो गए, हमने साधु की संगत छोड़ दी, तो फिर ये पांचों हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि साथ की संगत कर ले बंदे पांचों हो जाए तेरे वश। तू निरंतर अगर साधु की संगत करेगा, सत्संग सेवा सिमरन करेगा, तो ये पांचों वश में हो जाते हैं और मन मंदिर बन जाता है। साथ की संगत कर ले बंदे कायम दिल का पारा रहे, अवतार मिले जो साधु पूरा मन न यह आवारा रहे। कि साधु की संगत करने से दिल में खुशियां आती हैं, दिल में एक भावना है, प्रेम की भावना पैदा होती है। और जब दिल में प्रेम बस जाता है, ये भाव बस जाते हैं, तभी भक्ति होती है। भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव, और भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। कि संत महात्माओं के हृदय में एक प्रेम की भावना होती है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का दिल मक्खन की तरह कोमल हो जाता है। तो यहाँ पर यही भाव है कि साथ की संगत कर ले बंदे कायम दिल का पारा रहे, कि दिल बहुत सुंदर बन जाता है। और फिर हम सबके दिल को जीतने लगते हैं। जिसका दिल सुंदर है वही सबके दिल को जीतेगा। जिसके दिल में प्रेम है भावनाएं हैं तो वही सबके दिलों में राज करेगा। अगर हमारा खुद का दिल सुंदर है, हमारी सोच विचार सुंदर है, तो फिर दुनिया में हम जहां भी जाएंगे हर दिल पे फिर हम राज करेंगे। क्योंकि हमारे दिल में परमात्मा बसा है, और जिस दिल में ये खुदा बस गया फिर वो खुद खुदा हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। क्योंकि बूंद सागर में मिलके महासागर बन जाती है। तो जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये दिल बहुत सुंदर बन जाता है। क्योंकि दिल खुदा का घर है, दिल में खुदा बस जाता है। खुदा तो पहले भी हमारे साथ था लेकिन हमें पता नहीं था। सद्गुरु ने कृपा की तो हमने साथ की संगत करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारा दिल ही द्वारका बन गया, दिल ही हमारा दरगाह बन गया। तो सद्गुरु
कि संगत करने से, साधु की संगत करने से दिल दरगाह बन जाता है, दिल पूजा का घर बन जाता है, क्योंकि दिल में खुदा आके बस जाता है। अवतार मिले जो साधु पूरा मन्ना या आवारा रहे, कि जब साधु पूर्ण साधु पक्के संत हमें मिल जाते हैं, जो हमें गुरु की तरफ जोड़ते हैं, हमेशा निरंकार की बात करते हैं, जब भी हम पक्के संतों का साथ करते हैं तो उनके पास केवल गुरु की बात होती है, केवल निरंकार की बात होती है। जब पूरा साधु मिल जाता है तो ये मन आवारा नहीं रहता है, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलते तब तक ये मन आवारा है, मन भटकता है, संसार में भटकता है, संसार की बातों में ही ये मन ज्यादा ध्यान देता है, संसार के आकर्षण में, इस मोह माया में ज्यादा खींचा रहता है। लेकिन जब साधु पूरा मिल जाता है, जब संत महात्मा मिलते हैं, गुरु के दीवाने मिलते हैं, तो इस मन को निरंकार के साथ जोड़ देते हैं और मन की भटकन को समाप्त कर देते हैं, और ये मन फिर आवारा नहीं रहता है, ये परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। तो आइए प्यारी सत्संग जी, जो ये सब संख्या 56 में संपूर्ण अवतार वाणी में सहनशाह जी ने हमें समझाया है कि साधु की संगत की महानता कितनी है, साधु की महिमा कितनी अपरंपार है, कि हम निरंतर सत्संग करें, जब भी सत्संग का टाइम हो हम टाइम सत्संग में पहुंच जाएं और संतों महापुरुषों की वाणियां श्रवण करें, क्योंकि संतों के बोल हमारे जीवन को बदलने वाले होते हैं। जो नित प्रति रोज सत्संग करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, तो उनका जीवन महान बन जाता है और फिर वो महान कर्म करने लगते हैं और महान कर्मों की पूजा होती है। आज संसार में जिनकी पूजा हो रही, जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर हुए, आज जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं, तो सभी ने साधु की संगत की है। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के रुख बदले हैं सदगुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक, अपने आप सके ना पा राम कृष्ण और नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सब ने नियम निभाया है, वलियों ने भी गुरु चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंगे ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही, अवतार कहे पर अंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। कि सब की जो डोर थी वो गुरु के हाथ में थी, सब ने अपने जीवन की डोर सदगुरु को सौंप दिया, सदगुरु के हवाले हो गए। जैसे एक पत्ता हवा के हवाले हो जाता है, तो अब मर्जी हवा की है कि हवा उस पत्ते को कहाँ लेके जाती है। ठीक इसी प्रकार जो गुरसिख होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो अपने सदगुरु के हवाले हो जाते हैं। अब सदगुरु की मर्जी, जीवन जो होता है सदगुरु की रजा में फिर जीना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले प्रण में ही जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया, तो पहले प्रण में तनबंधन प्रभु के दिन प्रभु का समझो, ये हमसे इकरार करवा लिया गया कि आज के बाद तनबंधन परमात्मा का है। परमात्मा का तो पहले भी था, लेकिन हम अज्ञानता के कारण इसे अपना माने बैठे थे कि ये मेरा घर है, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, तो मेरा मेरा में हम लगे हुए थे। लेकिन जब ज्ञान हो गया, जब निरंकार को जान लिया, तो इस बात का एहसास हो गया, गुरु ने हमें पहला प्रण देकर यह एहसास करा दिया कि तनबंधन तुम्हारा नहीं है, तनबंधन प्रभु के लिए प्रभु का समझो। जब हम इस परमात्मा के हवाले हो गए, तनबंधन परमात्मा को सौंप दिया, तब जीवन में बहार आ गई, और ये हुआ साधु की संगत करने से। जो जितना ज्यादा सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, उनके जीवन में उतनी ही खुशियां आती हैं। तो आइए प्यारी सत्संगत जी, हम साधु की संगत की महिमा को समझें, सत्संग की महिमा अपरंपार है, और सत्संग सेवा सिमरन का ये जो दान हमें मिला है, जो भक्ति का वरदान हमें मिला हुआ है, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है सदगुरु की। और ये सत्संग करवाता है, जिस पर ये निरंकार रीत जाता है, जिस पर सदगुरु मेहरबान होता है, उसके ऊपर रहमतें ही रहमतें बरसती हैं, और फिर वो निरंतर सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो आइए प्यारी सत्संग जी, हम भी सदगुरु के हवाले हो जाएं, अपने आप को गुरु के हवाले कर दें, सरेंडर कर दें, और जब हम पूरी तरह समर्पण कर देंगे अपने आप को, तो हमारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। प्यारी प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।